बरगदवा स्थित एक स्वीट हाउस के प्रोपराइटर रवि चावला ने विद्युत विभाग पर बिजली मीटर के लोडिंग के नाम पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर मीडिया से रूबरू होते हुए रवि चावला ने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा लोडिंग के नाम पर विद्युत बिल बढ़ाकर दिया जा रहा है, जिससे उन्हें बार बार बिजली विभाग के ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विद्युत सब स्टेशन पर जाने पर वहाँ के कर्मचारी ताश खेलने में व्यस्त थे, जिसका वीडियो भी उन्होंने मीडिया को उपलब्ध कराया है और कार्रवाई की मांग की। जबकि गोरखपुर न्यूज ने जब बक्सीपुर के अधिशासी अभियंता से दूरभाष पर बात की तो उन्होंने कहा कि नियमानुसार विद्युत का बिल उन्हें मुहैया कराया जा रहा है तथा ओटीएस में उन्हें लगभग 2 लाख की छूट का लाभ भी दिया गया है। इसके बाद भी अगर कोई शिकायत है तो जांच कराकर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वीट हाउस के प्रोपराइटर रवि चावला और दूरभाष पर विद्युत वितरण नगरीय क्षेत्र के अधिशासी अभियंता इंजीनियर यदुनाथ राम ने बताया। यही सब है। हाँ बेटा, कल आएगा। लाइट खराब हुई है? लाइट खराब इसलिए जाइए कंपनी में साथ चलें। लाइट खराब बरगदवा में दुकान पर। हमारी मिठाई की दुकान सिद्धियों में गणपति मिष्ठान। ओ तो बरगदवा पुलिस चौकी पे है। वो बोले कि यहाँ जेई से लिखवा के जेई है नहीं। जेई से लिखवा के क्योंकि मेरा बिजली बिल बिकाया था, असल में स्टे ऑर्डर मिला हुआ है हमको। तो दीजिए लॉकडाउन में सब छूट है, सब छूट है। इस समय कोई बकाया पे भी कनेक्शन डायरेक्ट बात कर लीजिए नीरज दुबे से। नीरज दुबे से पहले आप उनसे जाकर बात कर लीजिए। अगर नंदा जी भैया बात हुई है मेरे अधिकारियों से, वो लोग कहें कि कंप्लेन बन सकता है। अगर नहीं होता तो बात बात करेगा ना, तो पैसा जमा करिए उनसे मत बताएगा सर। है मेरा स्टे चल रहा, जब फाइनल होगा तब देंगे। ये सब बात करिए। तो फाइनल कहाँ नहीं करा देना सर, हम तो इंतजार करते करते भैया। इसमें फिर आप अनिल सिंह कर रहे हैं, वो मामला होगा वैसे खटाई में। अनिल सिंह का इश्यू सिर्फ इस लोड घटाने को है। हाँ तो आप हर जगह करेंगे। फाइल आप ही की बात पड़ी है सर, तो हम क्या करेंगे। अरे भैया फाइल से बार आपके पास है, आपका ना फोन उठता है। फाइल का आपसे एक शब्द हमने कहा था ना कि ये फाइल का मीन्स ये हुआ कि ये एरियर जो है मिल करा दीजिए, हम आपका लोड घटा देते। लोड का ही इशू है ना मेन बस। तो अनिल सिंह LMB6 हैं, इनको उसको मार्क कराइए। अरे विवेक को विवेक बोल रहे हैं कि फाइल मेरे पास नहीं है। अरे फाइल का करना, जो मीटर पेपर है वह लगाना है कि यहाँ इस डेट में घट गया, इतना हो गया, वही डिफरेंस बन जाएगा। आपका कहना ये ना कि हम 12 की जगह इतने पे देंगे, KWH पे देंगे। वो तो देंगे सर, लेकिन इतने साल से जो ज़्यादा रेट आ रहा है, लोड आ रहा है, उसका क्या होगा। अरे भैया तो जब वो कैलकुलेट करेगा तो वो 9 का ही फिक्स चार्ज लेगा ना, 12 का नहीं लेगा। तो पहले बिल रिवीजन कराइए, समस्या इसीलिए क्रिएट हो रही है। क्या करें, उनसे कहिए कि साहब हमारा LMB6 का ये पहले बिल रिवीजन कराना है, तब वो लिखेंगे। ठीक है फिर आप तब लिखिए। मेरा नाम रवि चावला है और मेरा जो बिजली बिल है मीटर है उसका अकाउंट आईडी है 3938412000 दिनेश कुमार चावला जी के नाम से है। 2015 को मैंने कई बार एप्लीकेशन देने के बाद यहाँ पे पहले मतलब जहाँ पे हमारी दुकान है वहाँ पहले फैक्ट्री चलती थी, तो जब लोड लिया गया था 12 किलोवाट का लिया गया था, लेकिन कई बार एप्लीकेशन देने के बाद जब हमारी दुकान खुली तो हमने उसको लोड घटवा करके रिपोर्ट करवाया। किलोवाट हो गया तो इन्होंने अपनी मर्जी से बिना कोई चेकिंग रिपोर्ट कोई रिपोर्ट दी है। 2016 में इन्होंने अब मीटर फोड़ करके जबरन आ करके इन्होंने मीटर फोड़ा और उसको फिर से 12 किलोवाट कर दिया। और 2016 से ले करके 2018 अप्रैल तक मैंने पूरा बिल जमा किया 12 किलोवाट से। कई एप्लीकेशन देने के बावजूद मेरा बिजली का लोड घटा नहीं, चाहे वो मुख्य अधिशासी अभियंता हो, चाहे अधिशासी अभियंता हो आपके बक्सीपुर के। और उसके बाद आप मैंने कई बार एप्लीकेशन आपका मंदिर में भी दिलवाई, फिर उसके बाद जब यहाँ पर इन्होंने उनके अनुरोध पर जब बिल बनाया तो मैंने इनके बिल जमा करते रहे, लेकिन कभी आता 1 लाख तो दूसरे दिन आ जाता 3.5 लाख, फिर 4 लाख, 5 लाख,
हर एक बंदा पर डे हमारी दुकान में खड़ा हो जाता है, बोलता बिल जमा करी नहीं तो लाइट काट देंगे। जबरन मेरी लाइट काटी गई, 3-4 बार लाइट काटी गई भैया। फिर उसके बाद मैं मजबूरन आपके कंज्यूमर फोरम में गया, कोर्ट में, वहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया। फिर वहाँ से स्टे ऑर्डर जब हमको मिल गया जून में, उसके बाद हमको परेशान करने के लिए उन्होंने सख्त बोला कि आपको इनको परेशान नहीं किया जा सकता जब तक बिल सही से नहीं बन पाए, जब तक इनका आदेश पालन ना हो। लेकिन फिर भी ये पर डे दुकान पर खड़े हो जाते हैं, ऐसे बिल लेके खड़े हो जाते हैं हमारे पास, बोलते हैं ये आपका फलाना बिल है, आप जमा करिए। मतलब बिल कुछ भी हो हमको जमा करना पड़ेगा। 2018 अप्रैल तक मेरा फुल बिल पेड है, उसके बाद जो इन्होंने बिल बनाया KVH में चार्ज करने लगे, और शुरुआत से KVH जोड़ करके कॉमर्शियल में जैसे लग रहा है इंडस्ट्री चल रही है, इन्होंने KVH में बिल चार्ज करके और कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 2.5 लाख ऐसे दिया। फिर इस बार तो समझिए अता हो गई, 3-4 महीने पहले हमको 11.5 लाख रुपये का बिल आया, फिर उसके बाद संशोधन करवाए तो 8.5 लाख हो गया। मतलब 2 साल 6 महीने के अंदर ये मुझे 12,48,000 रुपये का बिल दे चुके हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। बिना किसी चेकिंग रिपोर्ट के इन्होंने मेरा मीटर का लोड बढ़ाया। हम बस इनसे यही अनुरोध करते हैं, 12 जी, इस समय कितना लोड है मेरा? इस समय 12 किलोवाट का लोड है LMV6 का, और जब मैंने चेंज कराया था तो मेरा 9 किलोवाट करके LMV2 में आना था, लेकिन जबरन ये एक्सट्रॉर्शन जैसे नहीं होता कि भ्रष्टाचारी, अगर हम लोग के हम पैसा आपको एक्स्ट्रा ना दें तो फिर आप मेरे खिलाफ़ कुछ भी करना चालू कर दोगे। हम आपको मिठाई ना दें, हम आपको वहाँ पे खर्चा ना पहुँचाएँ, हम आपको हर बिल में संशोधन करने का पैसा ना दें, तो आप मेरा बिल संशोधन करोगे नहीं? मतलब ये तो हद हो गई। कई बार मैं दौड़ता रहा पावर हाउस में, मैं दुकान छोड़ के, मैं वहाँ किराएदार हूँ, मैं पर डे 2-2 घंटा जाकर के बिजली विभाग में बैठा रहा, भैया मेरा बिल संशोधन करो। कई बार एप्लीकेशन दिया लेकिन मेरे कोई नहीं सुनता था। फिर उसके बाद मजबूरन जब मैं न्यायालय में गया, उसके बाद भी मैं देखता हूँ इनका ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते ही रहते हैं, बिना पूछे किसी को भी भेज देंगे और बोल देंगे अगर आपने बिल नहीं जमा कराया तो RC कट जाएगी। और इस बार तो अता हो गई, OTA जमा करवाने का आदेश पालन हुआ, भाई निजीकरण नहीं होना चाहिए, हम आपको पूरा पैसा जमा करेंगे। तो हम बिजली विभाग से पूछते हैं निजीकरण क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना आपके आदमी सही है ना आपके आदमी, एक आदमी कुछ बिल बना के देता है, दूसरा आदमी कुछ बिल बना के देता है, आप लोग के अंदर खुद ही कुछ नहीं है, तो आपको क्यों नहीं निजीकरण किया जाए? क्या मांग कर रहे हैं आप, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मेरा बिल जो है वो 9 किलोवाट के हिसाब से आए, जब तक मेरी कंजम्पशन 9 किलोवाट तक रही है। आप हमको पूरी 2000, जब से मेरा बिल चालू हुआ है मीटर लगा तब से हमको MRI की रिपोर्ट दे दीजिए, और उसके बाद से मेरा बिल संशोधन करिए। जो भी बिल आएगा 12 लाख 20 लाख 50 लाख हम जमा करने के लिए तैयार हैं। और लास्ट टाइम मैं जब पावर कॉरपोरेशन गया आपका ये नकहा के बगल में, तो वहाँ पे लोग बैठ के, मैं JEE के बारे में पूछा था, तो वहाँ बैठ के लोग जुआ खेल लेते, ताश खेल लेते, मैंने उनकी वीडियो बना ली, मैंने बाकी जर्नलिस्ट को भी दी है वीडियो यहाँ पर। और प्लस जब भी अब मैं संशोधन कराने जाता हूँ तो यहाँ अनिल सिंह करके हैं, कई तो कर्मचारी ऐसे हैं जो 5-5 साल के ऊपर रहने वाले हैं, भाई एक कर्मचारी होता है 5-5 साल के ऊपर कैसे रह जाता है, उनका क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है? वो लोग मेरी फाइल ही गायब कर दी है कि चावला जी आपका जो मीटर है 9 किलोवाट का उसी के हिसाब से बिल बनेगा, परेशान मत होइए। उसका भी वीडियो है हमारे पास कि उस बंदे ने हमको ये बोला है, ये सरकारी आदमी है बिजली विभाग के। तो हम चाहते हैं, एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम लोग किराएदारों को बख्शें, हम लोग किराएदार हैं, हम लोग मालिक भी होते तो भी इतना बिल हम लोग नहीं दे पाते, ये सरासर अत्याचार है और हम लोग भ्रष्टाचारी नहीं सहेंगे। उनका उनका लोड 12 किलोवाट है, तो वो अपना बिलिंग जो है KWH में कराना चाहते हैं, जबकि विभाग का नियम है 10 किलोवाट एंड एवप के लिए जो है KVH में बिलिंग होती है। तो वो कह रहे हैं कि हम लोड कम चढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों ने MRI का डिटेल निकलवाया है, उनकी डिमांड 10 किलोवाट जा रही है और कुमुलेटिव डिमांड है 11 किलोवाट की, तो इसलिए उसका KVH बिलिंग होगी, KWH बिलिंग नहीं हो सकती है। वो यही चाह रहे थे कि KWH बिलिंग हो जाए उनकी, तो लेकिन वो नियमानुसार हो नहीं सकती है MRI की रिपोर्ट के आधार पर। तो उनको हमने अभी कल आए थे हमारे पास, हमने पूरी MRI की रिपोर्ट उनको दिखाया भी था उनको, तो अब वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर तो KWH बिलिंग हो नहीं सकती है, KVH बिलिंग ही होगी और वही बनाया गया है। OTS में इनको काफी फायदा भी मिला है, करीब 2 लाख के करीब इनका ब्याज माफी हुई है,
इन्होंने पंजीकरण भी करा लिया है और संतुष्ट भी तो दिख रहे थे, आप पता नहीं कैसे जो है वो शिकायत कर रहे हैं। नहीं, उसमें उन्होंने एक आरोप लगाया, वीडियो भी दिया है, उस वीडियो में यह कि वो सब स्टेशन के अंदर वो ताश खेल रहे हैं लोग। चलिए उसकी जांच कराकर उस पर उसका हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर वहाँ के ऐसी कोई है, ऐसी कोई घटना है, तो हम वहाँ औचक निरीक्षण कराएंगे और जो लोग पकड़े जाएंगे या वीडियो हमको दिखाएंगे, वीडियो में जो लोग होंगे उन पर हम कार्रवाई करेंगे। हम तो सख्त कार्रवाई करेंगे। हम तो वीडियो ऑन एयर कर रहे हैं सर, आप वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको भेजने का कोई मतलब नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये जनता देखे, उसके बाद आपकी कार्रवाई के बारे में आश्वासन देते हैं कि जो जो वीडियो में पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मतलब वीडियो में जो देखे जाएंगे, जो आप देखेंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक।